तो फाइनली दोस्तों इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्म आरआरआर जो कि अपने रिलीज से पहले ही इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। अब दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के बाद अब म्यूजिक राइट्स में भी इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि एसएस राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली मच अवेटेड फिल्म आरआरआर जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म है, इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल दशहरे के मौके पर रिलीज किया जाना है, जिसका कल एक म्यूजिक अनाउंसमेंट होना था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने कल की जगह आज ही इस फिल्म के म्यूजिक अनाउंसमेंट कर दी है और इस फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स है वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि टी सीरीज और लाहिरी म्यूजिक के हाथों में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स लगभग 25 करोड़ रुपए की प्राइस में लाहिर म्यूजिक और टी सीरीज ने मिलकर खरीदे हैं, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के जो हिंदी गाने रहेंगे वो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इस फिल्म के जो साउथ राइट्स है यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सॉन्ग्स वो आपको लाहिरी म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने म्यूजिक राइट्स के मामले में भी इंडियन सिनेमा की सभी फिल्मों को पीछे कर दिया है और लगभग 25 करोड़ रुपए की प्राइस में बिकने वाले इंडिया के सबसे बड़े सॉन्ग्स बन चुके हैं। बता दें दोस्तों आपको कि इससे पहले इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे, डिजिटल राइट्स थे और इस फिल्म के जो थिएटरिकल राइट्स थे वो भी काफी बड़े दामों पर बिके थे और इस फिल्म ने अपने रिलीज से पहले ही लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ अपने राइट्स को बेचकर ही कर ली थी। अब दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए काफी ज्यादा कमाई करनी होगी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह की प्राइस अब अपने रिलीज से पहले ही मिल चुकी है, उस हिसाब से इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 1500 करोड़ की कमाई करनी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आरआरआर फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी और इस फिल्म का जो हिंदी में कलेक्शन है वो कितना रहेगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।